Hello family, namaste, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Shubhangi Kalwani. So guys, आज है 7 मार्च, आज है हैप्पी होली डे 2 इन वृंदावन. तो पहले हम रेडी होते हैं, फिर मैं व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ, स्टार्ट करती हूँ. गाइस, इतना रेडी होके हम होली मनाने जा रहे हैं. बंदर है बहुत, तो मेरे मोबाइल नहीं जा सकते, इसलिए मैं बाहर. गाइस, अभी हम आ चुके हैं बस स्टैंड, अभी हम जा रहे हैं बरसाना. एंड काना जी चल रहे हैं, एंड हमारे काना जी अपने राधा रानी के गांव जा रहे हैं. सो गाइस, ये इतनी पब्लिक सिर्फ बरसाना के लिए थी, और यहाँ पे एक बस आई थी गोवर्धन के लिए. सबको लगा बरसाना के सब ऐसे भागे ना, देन हमको फाइनली बस मिल गई. और ये सीन था प्रेम मंदिर स्कॉन मंदिर के बाहर, लाइक सब लोग रंगे हुए थे होली के कलर्स में, एंड द व्यू इज मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, आप देख लो खुद ही. इतनी पब्लिक थी, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी. तब प्रेम मंदिर बंद था तो सब ओपन होने का वेट कर रहे थे, बट मेरे हिसाब से वहाँ पे कलर अलाउ नहीं है अंदर, तो मतलब जो जिसको कलर नहीं लगा हुआ है वही जा सकते शायद, क्योंकि ये प्रेम मंदिर इतना अच्छा है ना, तो वो ख़राब नहीं हो सकता है. वहाँ पे कलर्स भी अलाउ नहीं थे अंदर. सो यस, ये सीन था उसके बाहर. गाइस, हमारा काना जी राधा रानी के महल में आ चुका है. सो गाइस, पहुंचने के बाद ना हमको इतनी ज़्यादा वाली भूख लगी थी, एंड डायरेक्ट अटैक किया हमने पानी पूरी पे और आलू चटनी. ना लगे क्योंकि मेरे को फोटोज़ निकालने थे, बट शिट्स वहाँ जाके लग ही गया मेरे को कलर. देन हमने बाइक एक रेंट पे ले ली, और लाइक ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वहाँ सिर्फ कार्स वगैरह जाती है, तो हम तीन जने थे तो कार क्या ही कराए, तो हमने बाइक ले ली. देन हम पहुँच गए राधा रानी के महल, एंड बहुत मज़ा आया, सच में बहुत ही मज़ा आया. गाइस, इनको बहुत गंदी तरह से रंग लग चुका है, ऑटो में लगी थी, किसी ने मार दिया. मम्मा को नहीं लगा है, थोड़ा सा हाथ पे, ज्यादा नहीं. गाइस, यहाँ पे मेहंदी भी लगती है, बस नहीं ना वैसे वो रखती है. गाइस, यहाँ पे मेरे को बहुत जबरदस्त मेहंदी लगाई है उन्होंने. अच्छा, क्योंकि मैं नहीं लगवा रही थी, मैं हर बार लगवाती हूँ ऐसे आते हैं तो, बट पूरे मेरे हाथ खराब हो चुके हैं रंग से, बट this experience is just
एंड गाइस डोर ओपन होने का समय था 4:30 की 5, तो सबने ना 4 बजे बोल दिया कि ओपन हो गया। सब लोग ऐसे भागे, फिर पता चला कि ओपन ही नहीं हुआ। एंड इतना सबका ओपन हो गया था वहाँ पे, बट बहुत मजा आ रही थी ये सब में। गाइस वहाँ गुलाल तो ऐसे उड़ रहा था, ऐसे लग रहा था कि वहाँ के हवा में भी बस गुलाल ही आ रहा है। लाइक जहाँ देखो गुलाल 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 गुलाल, हमारी ऐसे आईज में भी गुलाल, मतलब हम तो आने के बाद हमको ऐसे लग रहा था गुलाल ही उड़ रहा है अभी भी हर कहाँ पे। लाइक इतनी और भीड़ भी बहुत थी गाइस। मंदिर खुलने में अभी टाइम है, मैं यहाँ बैठी थी ऊपर, तो किसने टन में मेरे को यहाँ पे रंग डाले ऐसे, इतना सारा रंग ऐसे पूरा कि जमकर लगा है ना, इसलिए मैं अभी ये पहन के बैठ गई हूँ। एंड मम्मा ऊपर है भाई, यहाँ पे कोई किसको नहीं देख रहा है, ऐसे रंग डाल रहे हैं। गाइस मंदिर खुलने में बहुत टाइम था एंड भीड़ बहुत ज़्यादा वाली भर गई थी, बहुत ज़्यादा पुलिस वगैरह आ गई थी। तो हमने सोचा कि ठीक है हम नेक्स्ट टाइम दर्शन कर लेंगे। देन हम नीचे गए एंड मस्त वाली लस्सी पी हमने। इट्स ओके हमारे दर्शन नहीं हुए इस बार, तो हम नेक्स्ट टाइम। एंड गाइस ये सड़कें हैं मथुरा वृंदावन बरसाना की, लाइक हर कहाँ पे गुलाल चश्मे मस्ती। सो गाइस हम बरसाना से निकल गए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा वाली भीड़ हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, तो वहाँ पे पुलिस वगैरह आ गई थी। तो हम वहाँ पर होली मनाई, अभी निकल गए। अभी हम आए हैं राधा कुंड, शो बरसाना और वृंदावन के बीच में आता है गोवर्धन के यहाँ। सो यस, एंड इसकी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, मैं यूट्यूब पर लिंक मिली तो मैं लिंक डाल दूँगी, प्लीज वॉच इट। गोवर्धन कृष्णा कृष्णा गाइज मैंने अभी क्लीन किया था अपने आप को, फिर से रंग गई मैं। मैं फिर से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मेरे को रिएक्शन हो रहा था फेस पे। सो गाइस उसके बाद हम आश्रम में गए, राधा कुंड में ही ये आश्रम। तो हम हर बार जाते हैं, जब भी जाते हैं वृंदावन वगैरह। सो वहाँ मेरे कान्हा जी का अभिषेक हो रहा था क्योंकि हमने न्यू ही लिया था। सो यहाँ पे मेरी कान्हा जी का बहुत ही अच्छे से अभिषेक हुआ।
सो गाइस नेक्स्ट डे हम निकल गए दिल्ली के लिए क्योंकि वहाँ से हमारी नेक्स्ट ट्रेन थी हरिद्वार के लिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड अभी हरिद्वार के व्लॉग्स ऋषिकेश के व्लॉग्स आएंगे।